हेलो दोस्तों, मैं यश और आज की वीडियो कुछ अलग टॉपिक पर है। जिन लोगों को जंगल एडवेंचर मूवीज और जंगल फैंटेसी मूवीज पसंद है, उनके लिए ये वाली वीडियो एक मास्टरपीस से कम नहीं है। तो भाई, अगर आपको इन दोनों टॉपिक में से कोई भी टॉपिक में इंटरेस्ट है तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए, आप पक्का बिना डिसअपॉइंट हुए जाओगे। तो भाई, वीडियो को एंड तक जरूर देखना और हो सके तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। बाद के लिए रखने का ही नहीं, हमेशा जो चीज़ है अभी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, लाइक भी कर दो, जब तक अपन अपना वीडियो चालू कर लेता है। मगर वीडियो का टॉपिक है टॉप जंगल एडवेंचर मूवीज यू मिस्ड। नंबर 5, द लेजेंड ऑफ टार्जन। अब भाई, हम सब ने एक ना एक बार मोगली का नाम तो जिंदगी में सुना ही होगा। और हाल ही में द जंगल बुक करके भी एक पिक्चर आई थी जिसमें हमें मोगली की कहानी दिखाई थी। तो मोगली के ऊपर अलग अलग पिक्चर्स बनाई गई हैं, मगर ये वाली पिक्चर उन सब में काफी ज्यादा डिफरेंट है। तो ब्रो, मूवी की स्टोरी काफी ज्यादा डिफरेंट है। तो इसमें होता ऐसा है कि हमें पहले ऐसा दिखाया जाता है कि मोगली कोई एक बड़ा बंदा बन चुका है, मतलब कि अब वो जंगल्स में नहीं रहता। जैसे कि हमें काफी सारी मूवीज और स्टोरीज में बताया है कि मोगली जंगलों में रहता था और वो कोई भी जानवर से बात बात कर सकता था, मगर इस मूवी में हमें ऐसा दिखाया है कि मोगली बड़ा हो गया और बड़े होकर वो इंसानों के साथ ही मस्त रह रहा है और दिखता भी एकदम स्मार्ट है। मगर इसको बहला फुसला कर दूसरे कंट्री के लोग चाहते थे कि इसको खरीद ले, और ये इसको पता नहीं था। तो यही इसके साथ दुनिया अलग सा स्कैम करती है, क्योंकि ये थोड़ा भोला भाला सा रहता है ना। मगर फिर बाद में मालूम पड़ता है कि साला ये लोग तो मेरा यूज कर रहे थे, और बाद में जो लेता है ना सबको आटे में ये। मगर आपको पूरी स्टोरी अभी तक नहीं पता है, पूरी स्टोरी आपको तभी पता चलेगी जब आप ये मूवी देखने जाओगे। काफी ज्यादा अमेजिंग मूवी है, आपको बिल्कुल भी निराशा नहीं होगी और ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि साला क्या टाइम बर्बाद कर दिया बेफालतू का। नंबर 4, एपोकलिप्टो। ये मूवीज में हम लोग को जंगल का और जो पुराने लोग होते थे, यानी कि जो पुरानी ट्राइब्स होती थी, उसके बारे में डिटेल में बताया है और काफी ज्यादा ज्ञान भी मतलब दिया गया है, क्योंकि इसमें हम लोग को ट्राइब्स का रहन सहन भी दिखाया गया, वो लोग कैसे रहते थे और उनकी फैमिली में क्या क्या होता था, और उनकी ट्राइब में अलग अलग फेस्टिवल्स होते थे बहुत ही अजीबोगरीब, जिसको जब आप देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा इसकी माँ का ये क्या कर रहे हैं भाई, ये लोग काफी ज्यादा वियर्ड चीजें करते थे ये लोग, जो आपको ये मूवी में देखने मिलेगा। काफी ज्यादा मस्त स्टोरीलाइन के साथ ये मूवी आपको हर एक चीज देगी, इमोशन भी देगी, एक्शन भी देगी और थ्रिलर तो देगी देगी नहीं देगी, और ऊपर से जंगल का एडवेंचर भी मस्त मिलेगा। तो एक फुल पैक्ड मूवी है ये, अगर आपको देखनी है तो आप देखने जा सकते हैं। नंबर 3, जैक द जायंट स्लेयर। भले ही आपने इसका नाम पहली बार सुना हो, मगर साला आपने इसकी स्टोरी तो पक्का बचपन में सुनी होगी। अगर आपने नहीं सुनी तब तो आपने बचपन ही क्या जिया पता नहीं। तो हमें बचपन में स्टोरी ऐसी बताई गई थी कि एक बीज होते हैं जिसको पानी में डालने से वो बीज से इतना बड़ा पेड़ निकलता है ना कि वो सीधा जन्नत में जाता है, और जन्नत के बीच में एक शैतानों की बस्ती होती है जहाँ बड़े बड़े जायंट्स रहते हैं। और यही सेम स्टोरी इस मूवी के अंदर दिखाई गई है एकदम मस्त VFX के साथ, जिसको देखकर इतना ज्यादा एक्साइटमेंट फील होता है और नॉस्टैल्जिक भी फील होता है। तो भाई, ये वाली मूवी की स्टोरी ना काफी ज्यादा मस्त है और एकदम स्मूथ जाती है पिक्चर, कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि भाई अब बोर हो रहा है थोड़ा, एकदम थोड़े टाइम के लिए ऐसा लगेगा कि हाँ अब हल्का सा बोर हो रहा है, मगर फिर भी ऐसा बोर नहीं होगा कि मतलब मूवी छोड़ के चले जाने का मन करेगा। इस पिक्चर में हमें लव एंगल भी दिखाया गया है जो काफी ज्यादा स्मूथ है और काफी ज्यादा नॉर्मल सा लगता है कि मतलब एक पिक्चर में ऐसा होना ही चाहिए, ऐसा हमें लगता है। एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और कुछ बढ़ा चढ़ा के हमें इस मूवी में नहीं बताया गया, जो इस मूवी को काफी ज्यादा अच्छी बनाता है। तो आपको वो बचपन वाली स्टोरी में अगर इंटरेस्ट है, वही जैक एंड जिल वेंट अप द हिल वाला, तो आपके लिए ये वाली मूवी काफी ज्यादा बेस्ट होगी। अगर नॉस्टैल्जिया को हिट करना है तब तो फिर ये मूवी देखो, नहीं तो फिर कोई बात नहीं छोड़ो। नंबर 2, मोगली द लेजेंड ऑफ जंगल। और भाई, मोगली नाम की सुपारी भी आती थी पहले बचपन में, और मैं खाता भी था भर भर के। फिर मेरे को किसी ने बताया कि भाई तू तो तंबाकू खा रहा है, तब से अपन ने छोड़ दिया, और बड़े होने के बाद फिर से मोगली पे आ गए। मगर छोड़ो छोड़ो, कम से कम जुबा केसरी के फैन तो नहीं है। बिमल बोलो जुबा केसरी। अब भाई बोलना मत कि ये तो वही सेम मूवी है, भले ही स्टोरी लाइन भी एकदम सेम है, मगर मूवी के जो विजुअल्स हैं और जो इसका डायरेक्शन है वो काफी ज्यादा मस्त है, विद बैकग्राउंड स्कोर, मतलब कि हर एक जगह पर एकदम परफेक्ट बैकग्राउंड स्कोर इसको अपनी अलग एक पहचान देता है। और तो और, ये जो बच्चे ने एक्टिंग करी है ना, काफी ज्यादा खास है भाई। और साला ये इतनी सी उम्र में इसको इतने बड़े बड़े घाव लग जाते हैं, जब मेरे को लगता था तब तो भाई मैं पकड़ के बैठा रहता था एक जगह। एकदम रियलिस्टिक इस मूवी की वाइब है, और तो और आप इसकी स्टोरी लाइन से एकदम कनेक्ट हो जाओगे, जिसकी वजह से आपको इस मूवी में इंटरेस्ट स्टार्टिंग से एंड तक बना रहेगा और आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि भाई आगे क्या होने वाला
सवाल है, मेरे को जानना है कुछ भी करके, क्योंकि इस मूवी को डायरेक्शन ही ऐसा दिया गया है, हर दो सीन के बाद तीसरा सीन सस्पेंस में रहेगा ताकि पब्लिक को बोर ना हो। और तो और जब भाई इतने बड़े बड़े सांप और इतना बड़ा बड़ा और इतने बड़े बड़े एलिफेंट्स देखने मिलेंगे, तब तो भाई इंटरेस्ट तो सबका ही बना रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग को जो एकदम रियलिस्टिक एनिमेट किए गए हों उनको देखने में काफी ज्यादा मजा आता है, भले ही कुछ भी बोलो। और इसमें तो सारे कैरेक्टर वैसे ही हैं एक्सेप्ट बच्चा। तो भाई अगर आपको मोगली का बड़ा वाला वर्जन देखना है तो वो है द लेजेंड ऑफ टार्जन, और अगर इसका छोटा वाला वर्जन देखना है तो वो है मोगली द लेजेंड ऑफ द जंगल। दोनों ही काफी ज्यादा तगड़ी मूवी है, दोनों में से कोई भी देखो मजा तो सब में आने वाला है। जो जो इस लिस्ट में है उन सब में मजा ऐसा कूट कूट के भरा गया है ना कि आप सोच में पड़ जाओगे, भाई मिस्टर मूवी तू इतनी अच्छी अच्छी मूवी लाता कहाँ से है। चलो चलो अब भाई ज्यादा अपनी खुद की तारीफ भी नहीं करनी चाहिए, नजर लग जाती। नंबर 1 द लॉस्ट सिटी ऑफ जी। हाँ भाई माना इसका नाम काफी ज्यादा अंग्रेज टाइप का है, मगर मूवी काफी ज्यादा बढ़िया है। जिस तरह इस मूवी में एक्टिंग करी गई है ना वो काफी ज्यादा रेयर और इतनी रियलिस्टिक एक्टिंग मैंने बहुत कम ही मूवीज में देखी है। सोचो अगर आप एक बहुत बड़ा मिशन करके आ रहे हो और एक कॉन्फ्रेंस रूम में आपको बुलाया गया हो मगर आपको वहाँ कोई भाव नहीं दे रहा तो आपको कैसा लगेगा, बुरा तो लगेगा ही ना। वैसे ही इस मूवी के अंदर भी हमें दिखाया गया है, भले ही इसको एक और बार मौका मिलता है अमेज़न के जंगलों में जाकर कोई चीज ढूंढ कर लाने का, और भाई मैं लिख के देता हूँ अगर इसकी जगह कोई और बंदा होता ना तो उसकी तो फट के 50 हो जाती, क्योंकि अमेज़न का जंगल भाई अकेले जाने का तो वहाँ कोई सोचता भी नहीं है, वहाँ तो साला सूरज की किरणें भी जमीन को टच नहीं कर पाती कभी कभी, और एनिमल्स का डर तो यार अलग ही रहता है। तो मूवी में हमें ऐसा बताया जाता है कि इसको एक मिशन पे भेजते हैं जो अमेज़न के अंदर होता है, और अमेज़न के अंदर ही एक ट्राइब का एक बंदा इसको बोलता है कि यहाँ एक पूरी गोल्ड की सिटी है जिसको जो भी देखता है ना वो गायब हो जाता है हमेशा के लिए, क्योंकि वो इतनी ज्यादा अच्छी सिटी है जिसको देखने के बाद वहां से वो बंदा जाता ही नहीं है। और हमें मूवी के एंड में भी एक मस्त सा सस्पेंस देखने मिलता है जो सस्पेंस ही रह जाता है, मगर फिर भी मूवी अच्छी है। टॉम हॉलैंड भी हमें इस मूवी में दिखते हैं मगर वो थोड़ा बाद में दिखेंगे, तो टॉम हॉलैंड के अगर फैन हो तो थोड़ा वेट तो करना पड़ेगा, मगर उन्होंने भी एक्टिंग एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाली की है। तो भाई यही थी मेरी तरफ से एक जंगल एडवेंचर मूवीज, जिसमें जंगल फैंटेसी मूवीज भी इंक्लूडेड है, तो भाई ये तो आप लोग के लिए अच्छा हो गया। तो आप में से ये लिस्ट की मूवीज कौन सी कौन देखने वाला है वो कमेंट में मुझे जरूर बताइए, और मुझे ये भी बताइए कि आपको किस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए तो मैं उसके ऊपर जरूर वीडियो बनाने की ट्राई करूंगा। दोस्तों आप लोग में से बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, मतलब वीडियो तो देख रहे हैं मगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो शायद आप लोग को सब्सक्राइब कर देना चाहिए, क्योंकि अब मुझे लगता है कि हाँ भाई थोड़ा तो डिजर्विंग हूँ मैं। और तो और हो सके तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए ताकि मुझे पता भी तो लगे कि पब्लिक को देखने में वीडियो मजा आ रही है कि खाली ऐसे ही देख रहे हो आप लोग। तो भाई याद से वीडियो को लाइक कर देना, मिलूंगा मैं सीधा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।